नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले खजुराहो, फिर सूरत और अब इंदौर। इंडिया गठबंधन के साथ तो तीन तीन सीटों पर बिना चुनाव ही खेला हो गया। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है, बाकी दो सीटों पर पहले से जीत पक्की बताई जा रही है। आखिर बिना चुनाव जीत के पीछे की वजह क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा दस्तखत नहीं होने की वजह से खारिज हो गया। इसके अलावा गुजरात के सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी और डमी कैंडिडेट दोनों का पर्चा खारिज हो गया। अब इंदौर की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना पर्चा ही वापस ले लिया। अब ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेने पहुंचे तो उनके साथ डीएम दफ्तर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी दिखे। मतलब साफ था कि कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब सवाल यह है कि खजुराहो, सूरत और इंदौर में जो भी हुआ, क्या आगे मध्य प्रदेश में भी इसका असर किसी सीट पर हो सकता है, या मध्य प्रदेश की किसी और सीट पर भी ऐसा हो सकता है? इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आपको बता दें कि हर चरण में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए हर बार ऐसी अच्छी खबरें आ ही जाती है। पहले चरण में खजुराहो में सपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ, दूसरे फेज से पहले सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ, तीसरे फेज से पहले इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना पर्चा ही वापस ले लिया। आपको बता दें कि खजुराहो में ऐसे ये खेल हुआ कैसे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने ये सीट सपा के लिए छोड़ दी थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी को सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन में दो कमियां मिली। पहली कमी, फॉर्म के साथ लगी मतदाता की सूची प्रमाणित नहीं थी या पुरानी थी। दूसरी कमी, दो जगह हस्ताक्षर कराना था लेकिन एक ही जगह पर साइन किया गया। सूरत में भी बीजेपी निर्विरोध जीत गई। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुमानी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। इसलिए वो हर बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं, छेड़छाड़ के मतलब ये करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप नहीं लगाया, आपके पास प्रमाण है। सूरत में चुनाव नहीं हुआ, सूरत को सांसद मिल गया। इंदौर में चुनाव नहीं हुआ, इंदौर को सांसद मिल गया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? संविधान संविधान रवायतों से चलता है, प्रावधान है। आप प्रावधानों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 324, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया? अतः यह मत कहिए कि राहुल जी आरोप लगा रहे हैं। ये मूलतः गोलवलकर की किताब थी, बंच ऑफ थॉट्स। ये बंच ऑफ थॉट लागू करना चाहते हैं, जिसका उल्लेख लालू जी ने 2015 में किया। कल लालू यादव ने भी अपने संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और आप लोगों को सचेत होना होगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उन्होंने 15 में भी आगाह किया था, मारे डर के तब तो चुप बैठ गए थे। अभी जब ये कहते हैं ना कि इतना वोट हमें दो, क्या है, मूलतः ही आरक्षण विरोधी लोग हैं। दो तरीका होता आरक्षण खत्म करेगा, नौकरियां ही खत्म कर दो तो आरक्षण स्वतः खत्म हो गया, प्राइवेटाइज कर दो इंस्टीट्यूशन को तो आरक्षण स्वतः खत्म हो गया। तो ये बड़े चालाक शातिर किस्म के लोग हैं, जिसके संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया। सीए एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हिंदुओं पे किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं, ये लोग सीए एनआरसी के जरिए लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, सीए एनआरसी चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये लाना चाह रहे हैं इसको मुद्दा बना के, मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा रोटी है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा मकान है, मुद्दा किसानी है। प्रधानमंत्री जी की जुबान से सुनता नहीं हूँ कभी, अमित शाह जी कुछ बोलते नहीं है। आओ ना, इन मुद्दों पर बात करो। लोग कह रहे हैं, गरीब कह रहे हैं, मेरी थाली पर बात करो। आपको बता दें कि सूरत सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। हालांकि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने सवाल भी खड़े किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी उम्मीदवार हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन पर्चा तो सही सही ही भरना चाहिए। आरोप तो जो भी हो, लेकिन पर्चा गलत भरा तो रद्द तो होगा ही। इस पर सवाल उठाना कितना जायज है, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, जरूर लिख भेजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।